यूपी में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी CM, ये फार्मूला सुनकर आप हैरान जरूर होंगे। बीजेपी से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर ने 10 दलों के साथ गठबंधन करके ये फार्मूला तय किया है। उनका दावा है कि अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो हर साल एक नया मुख्यमंत्री और हर साल 4 डिप्टी CM बनेंगे। ऐसा फार्मूला यूपी में ना तो अब तक किसी ने बनाया था ना किसी ने देखा था। ओम प्रकाश राजभर के ने इस फार्मूले को तय करके यूपी की सियासत में सबको चौंका दिया है। 1996 में यूपी में बीजेपी और BSP ने 6-6 महीने मुख्यमंत्री वाला फार्मूला देकर सबको हैरान कर दिया था, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ और BSP ने खुद को बीजेपी से अलग कर लिया था। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ऐसा ही चौंकाने वाला सियासी प्रयोग सुर्खियों में है। बीजेपी के खिलाफ करीब 10 दलों का गठबंधन तैयार हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी मुख्य रूप से गठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन का नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। इसमें बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने का संकल्प लिया जा रहा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राजभर ने कहा है कि हम 5 साल की सरकार में 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी CM बनाएंगे। राजभर ने यह भी कहा कि बीजेपी ने ही डिप्टी सीएम की परंपरा शुरू की थी, हम उनसे सीख रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इस ऐलान को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया है। जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान, एक साल राजभर, एक साल चौहान, एक साल कुशवाहा, एक साल पटेल, हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी CM, 5 साल में 5 CM और 20 डिप्टी CM देंगे। ये साफ तौर पर इनके जो ओम प्रकाश राजभर का बयान है, ये इस तरफ साफ संकेत देता है कि इनकी मंशा कुछ और है और वो मंशा को नाकाम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। ओम प्रकाश राजभर का ये ऐलान यूपी चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले पिछड़ों दलितों के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए। वहीं वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी एक दांव खेला है। ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने भी नई राजनीति को जन्म देने की कोशिश की है। अखिलेश ने ट्वीट किया, आज की विघटनकारी रूढ़वादी नकारात्मक राजनीति सत्ता के विरुद्ध एकजुट शोषित उपेक्षित उत्पीड़ित अपमानित दलित दमित वंचित गरीब किसान मजदूर महिला व युवाओं की नई राजनीति जन्म ले रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लोकतांत्रिक क्रांति होगी। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव के लिए जो फार्मूला तैयार किया है, दरअसल वो फार्मूला चुनाव जीत का है। ओम प्रकाश राजभर ने ये फार्मूला तैयार किया है कि हर साल एक नया CM देंगे, यानी उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग यानी मुस्लिम चौहान पटेल समाज को राजभर समाज को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर उनके वोट को साधने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि बीजेपी ने इसे चुनावी सगुफा मानते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया है। 2022 में बीजेपी के खिलाफ छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन अपने अपने जाति धर्म के हिसाब से चुनावी भागीदारी को लेकर एकजुट हो रहा है। भागीदारी संकल्प मोर्चा छोटी छोटी पार्टियों का मंच है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, कृष्ण पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल और पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व वाली जन अधिकार मंच के साथ कई छोटी छोटी पार्टियां शामिल हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का मुख्य वोट बैंक OBC दलित और मुस्लिम है। प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत लगा रखी है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में भी बड़ी आबादी में मुस्लिम वोट बैंक शामिल है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर 10 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी और बसपा का नुकसान होगा, क्योंकि ये दोनों दल भी दलितों मुस्लिमों और पिछड़ों पर दांव लगाएंगे। ऐसे में साफ है कि 5 CM और 20 डिप्टी CM के फार्मूले से ज्यादा चुनाव जीतने की कारगर रणनीति बनानी चाहिए।